भाई ऐसा मत करा करो यार, तीन डॉग ने मेरे पास चार डॉग है। हाँ भाई। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोग आज सुबह व्लॉग्स में और गुड मॉर्निंग हो गया यार सभी लोगों को। आज बज रहा है सुबह के 8:30 आई गैस और अभी मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए। यस बॉयज, मैंने तुम लोगों से पहले ही बोला था कि भाई अब मैं थोड़ा सा फिटनेस के लिए काम करूंगा, तो अभी जल्दी उठने का ट्राई कर रहा हूँ, देखो कितने दिन तक रहता है। और बाकी चाय वाय चल रही है, चाय नहीं मतलब ब्लैक कॉफी चल रही है, थोड़ी सी एनर्जी एनर्जी आ जाएगी तो इसको पी के सीधे निकलते हैं जिम के लिए। और बाकी गाइज ये देखो, तुम्हारा भाई अभी रिसेंटली ये लेके आया हुआ था, ये वो है मॉप एकदम, और ये हमारी मॉप क्वीन। भाई ये बहुत सही चीज है, मतलब अब ऐसा होता है दीदी या मम्मी कोई भी झाड़ू लगा रहा होता है तो बड़े इजीली खड़े होके लगा सकते हैं झाड़ू, ऐसा नहीं कि मतलब झाड़ू पोछा सॉरी, तो पोछा बड़े इजीली लगा सकते हैं अब, ऐसे नहीं कि तुम्हें भाई लाइक बैठना पड़ेगा। ओ ये घूम भी रहा है, घुमाइयो घुमाइयो, वो ये सही है यार, वाह ऐसा लग रहा है जैसे साइकिल में हवा भर रही है। अब ज्यादा मस्ती नहीं लेते और सीधे जिम के लिए निकलते हैं। तो गाइस यार फाइनली जिम पहुंच गए, दीदी घर चले गए तो मैं जा रहा हूँ अपने पुराने जिम में जो कि है मसल मिल जिम। और बाकी मैं गोल्ड लोन नहीं जा रहा क्योंकि वो 11 बजे खुलता है, ये अपने भैया 6 बजे के आसपास खोल देते हैं, तो मस्त करके मसल मिल जिम में करते हैं एक्सरसाइज और वाट लगने वाली क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ दिन में ना थोड़ी सी हालत खराब होती है, तो फटाफट चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद मिलते हैं तुम लोगों से। तो गाइस यार एक कायदे से मेरा दूसरा दिन ही, तो मैं अभी मिक्स्ड एक्सरसाइज मार रहा हूँ, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि खाली चेस्ट या खाली शोल्डर ऐसा कुछ, सारी मिक्स मारूंगा। तो आज भी हम लोग ये करने वाले मिक्स, कल भी आया था मैं तभी मिक्स कर दी, चलो करते हैं। तो गाइस यार 10 बज चुके हैं और अब जाने का टाइम हो गया, भैया लोगों ने भी बंद कर दिया है, लास्ट हम ही जा रहे हैं, भैया ओनर है, भैया ट्रेनर है और बाकी लास्ट हम ही लोग जा रहे हैं अब यहाँ से, दीदी आएगी लेने के लिए, उसके बाद चलते हैं। थोड़ी देर बैठता हूँ, कुछ क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा बट देखते हैं, थोड़ी देर दीदी के लिए रुकते हैं अब। तो गाइस यार मैं ट्रेडमिल किया था और पानी पीना भूल गया, तो अभी ये लिया है, दीदी आई है, मैं तो कैश भी लाया था, चल दीदी ले चल घर, हालत खराब हो गई यार। मेरी मम्मी बेचारी को आज मेरा व्लॉग नहीं मिला देखने के लिए, तो अखबार पढ़ रही है। वाह मम्मी वाह। चलो गाइस थोड़ा सा कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद हम लोगों को अभी शिवांगी को लेके जाना है, लेके आना है सॉरी, और उसके बाद एक वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही मजेदार वीडियो, वो देखना मजा आएगा। तो गाइस यार अभी बज चुका है 12, तो फटाफट से निकलते हैं और शिवांगी को लेके आते हैं पहले, फिर और भी हम लोगों को काम है आज, शायद से पापा को भी कपड़े दिलाते हैं शादी के लिए, तो वो भी देख लेंगे अगर कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। मम्मी और दीदी भी चल रही है हमारे साथ क्योंकि मैंने सोचा गाड़ी में ले चलते हैं, तो सभी लोग साथ में चल देंगे, इसमें थोड़ा सा कपड़ा भी माना था पर अभी तो लेट हो गया यार, अब कपड़ा नहीं पड़ पाएगा, एक हल्का सा गीला कपड़ा मार ही देता है यार, देख रहे हो तुम लोग, कब से नहीं निकाली भाई मैंने, तुम लोगों को लगता होगा कि मैं मजे कर रहा हूँ, भाई बहुत रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग रहता है, मजे नहीं हो रहे थे भाई, काम हो रहा था यहाँ। तो गाइज यार फाइनली शिवांगी को हमने स्कूल से उठा लिया है, बिल्कुल सही, ये बच्ची शिवांगी आज तो कार में स्कूल से। हाँ भाई। तो चलो गाइज अब चलते हैं सीधे घर को और उसके बाद अपनी जो वीडियो बनानी थी उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत अर्जेंट है और मुझे आज ही एडिट करके भी देनी है, तो निकलते हैं ठीक है मम्मी, चले चलो जी। हाँ। चलो चलते घर को अब। ओ मेरे पोम्पुले उजा उजा मेरे पोम्पू ना। ठीक है भाई ठीक है, दीदी आ गई ना, अब तो मेरे साथ कहाँ ही प्यार होगा तुझे, है ना, अब तो दीदी आ गई है तुम्हारी, ये देखो एक ये है हमारा डॉगी, एक वो है हमारा डॉगी और एक वो बैठा हुआ है हमारा डॉगी, हमारे पास डॉगियों की कमी नहीं है, देख रहे हो तुम लोग भाई, बहुत ही खतरनाक, और तुम्हें यकीन नहीं होगा एक चीज बताता हूँ बहुत मजेदार, पता है क्या हुआ था अभी ना हाल ही में, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था या स्ट्रीम कर रहा था, एक बंदा पूरा गेट से चलते हुए यहाँ तक आ गया था, ये चेयर है ना यहाँ पे, यहाँ तक आ गया था वो, तो ये सारे के सारे डॉगी बैठे हुए थे तो उसने भगा दिया उसको ऐसे करके,
भाई बाद में मैंने कैमरे में देखा बंदे लिटरली किसी को कोई आवाज नहीं थी कुछ नहीं थी, वो सीधे चल के घर के अंदर आके सीधे गेट के अंदर घुस के यहाँ पर ऐसे खड़ा हो गया, और वो तो ये लोग जैसे भौंकने लगे तब जाके भागा वो बंदा। भाई भाई बाद में मैंने देखा जब उसमें कैमरे में तो मेरे को ऐसे झस हो गया ना, डर लग गया भाई। मैं क्या बताया कौन था बताया, मैं कभी देखा भी नहीं बंदा भाई, पूरा ऐसे चलते हुए आया यहाँ से ऐसे जैसे भाई बंदे का ही घर होगा। भाई बाद में मम्मी ने बताया मेरे को कि डॉगे वॉगी भौंके पूरा, हम लोगों ने कैमरे में देखा तब जाके पता चला। अब बहुत ही अलग ही चल रहा है भाई, ऐसा मत करा करो यार। चलो गाइस अभी तो खाना वाना खाते हैं फटाफट से दिन का, और ये देखिए जग्गू और दीदी बता रहे थे हमारे पास 3 डॉगी ने, हमारे पास 4 डॉगी है। जग्गू दीदी क्या कह रही, तुमको डॉगी बोल रही दीदी? अरे नहीं नहीं, 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 नहीं। अगर तुम्हें याद होगा जिस दिन हम लोग कपड़े लेने गए थे ना, तो हमारे कपड़े जो है वो फिटिंग हो चुके हैं, 16 तारीख का आज हमें लेने का आने थे। तो अभी हम लोग जाएंगे मानेवर मोही भी जाएंगे, और पापा आगे टाइम से तो पापा के भी कपड़े बनवाने, तो वहाँ भी चल देंगे। बट अभी जाते हैं अंदर खाना खाते हैं और अपना आगे काम करते हैं, फिर पापा आने के बाद निकलते हैं सीधे। तो गाइस यार फाइनली वीडियो का सारा काम खत्म करके मैंने जस्ट पीसी ऑफ करा हुआ है, अब चल रहे फटाफट से पापा को पिकअप करते हैं। उसके बाद पापा के लिए हम लोगों को एक सूट टाइप का लेना है, देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो तो दीदी डिसाइड करेगी, क्योंकि इसी बात है मैं अपने लिए बनाऊंगा पापा के लिए बनाऊंगा बहुत गलत चीज होगी। तो चलते हैं, दीदी ने मम्मी के लिए बनवा दिए, मैं पापा के लिए बनवा लेता हूँ कपड़े, अब चलते हैं फटाफट से। और अपने कपड़े भी लेके आने हम लोगों ने, तो वो भी लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि 16 तारीख को, तो वो भी रिसिप्ट हम लोग लेके चलते हैं फटाफट से। हाँ हाँ थकान हो रही यार, खास करके जिम गया ना इतने टाइम बाद, तो थोड़ा सा ऐसा बॉडी पूरी दर्द कर रही, पर मजा आ रहा है। तो चलते हैं फटाफट और लेके आते कपड़े। तो गाइस फाइनली हम लोग मान्यवर मोहित तो पहुंच गए, अब यहां से उठाते हैं फटाफट से अपने कपड़े और उसके बाद चलते हैं पापा को लेते हैं। तो गाइस इसमें फिटिंग कंप्लीट हो गई है, और अब देखो अब ये एकदम मस्त लग रहा है, नहीं पहले थोड़ा सा ब्रॉड था बट अभी एकदम मस्त हो गया और सही भी लग रहा है मेरे हिसाब से। तो डन है, लेके चलते हैं फटाफट। तो गाइज यार फाइनली पापा भी आ चुके हैं, अब फटाफट से चलते हैं और पापा के लिए कुछ कपड़े वपड़े लेते हैं। लेट तो काफी हो गया है मेरे ख्याल से, हाँ 7 बज चुका है, तो फटाफट चलते हैं। पापा का तो कुछ नहीं पता, पापा बोल रहे कि कुछ भी ले लेंगे, बल कुछ भी तोड़ना होता है, तो देखते हैं अब क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे। बट अभी के लिए तो यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल बीच रोड पे खड़ी कर रखी है मैंने एक तरह से, तो चलते हैं। तो गाइज अभी आए हुए हम एरो में, अब देखते हैं पापा को कुछ अच्छा लगेगा तो पापा के लिए ले लेते हैं। यहाँ से बढ़िया बढ़िया यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को भी अच्छा लगा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐसा आज हम आपको बताएंगे बुड्ढा ऐसा लग रहा था। अभी देखते हैं पापा के लिए कुछ अच्छा सा मिले। बोल रहे तो पापा के लिए हाथ ले रहा और कह रहा मैं बुड्ढा तो अरे तो दोस्तों फाइनली सारा का सारा सामान ले लिया पापा के लिए, हमें सूट वूट लेना था वो हमने ले लिया है, और हमारी किस्मत ऐसी है कि 20-30% डिस्काउंट था। जब मैं यहाँ पे चेक आउट करने आया तो उस टाइम पे 30% डिस्काउंट था, अभी उन्होंने बोला कि अब डिस्काउंट ही लग सकता है, तो उन्होंने कुछ 1500 रुपए का आसपास लगाया। वो देख 50% फ्लैट। नहीं अभी हो गया, बहुत हो गया है खर्चा, ठीक है ये देखो अब इसको यहाँ से 50% फ्लैट, तेरे को शर्म आती है क्या है? भाई चलो फटाफट से घर को, कुछ खाने के लिए देखते हैं अगर खाना होगा तो, वरना सीधे निकल रहे हैं पापा को ड्रॉप करना है। हाँ पापा को, सॉरी पहले पापा को ड्रॉप करना है, उसके बाद निकलते हैं हम लोग फटाफट से और चलते हैं। फाइनली सारा का सारा एटलीस्ट शॉपिंग तो हो गई यार कंप्लीट हमारी। पापा तुमको कैसा लगा, सही था, दिखने का अच्छा लग रहा था ना? हाँ बढ़िया। पापा बोले फोटो खींची फोटो खींची, पापा यार व्लॉग बना दिया है मेरे पूरा यार, तुम देखना कल को। तो गाइज यार फाइनली मेरे को अभी बताया दीदी ने कि हल्द्वानी में भी सबवे खुल गया, तो अभी गाड़ी हम लोगों ने यहीं पे खड़ी करी है, दीदी और मैं जा रहे हैं मस्त करके। अभी मैंने देखा कि यार हल्द्वानी में सबवे खुल गया भाई, और सबवे इज लिटरली लाइक मेरा दूसरा या तीसरा फास्ट फूड में फेवरेट चेन, लाइक फास्ट फूड नहीं होता यार सबवे वैसे ना, थोड़ा हेल्दी होता है, तो जिम करने के साथ साथ यू कैन ईट सबवे एज वेल। तो चलो चलते हैं फटाफट से और मस्त करके कुछ बढ़िया सा ऑर्डर करते हैं, देखते हैं हल्द्वानी वाले सबवे में कैसा मिलता है। भाई इसमें कितने सारे ब्रेड है इनके पास, देख रहे हो तुम लोग, पूरा ब्रेड से भरा हुआ है, अलग अलग टाइप के ब्रेड होते हैं, ये देख रहे हो पार्मेजान ओरिगैनो रोस्टेड गार्लिक वाइट मल्टी मल्टी हनी और इतनी सारी टॉपिंग्स। तो गाइस अब वो घड़ी आ चुकी है, मस्त करके ट्राई करते हैं अपने अपने सबवे, देखते हैं कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, सही
सही है यार, अब मैं अपना हाला देखता हूँ। भाई ये सही में इतना ज्यादा फ्रेश और इतना सही हो रहा है टेस्ट में, मजा आ गया ना। बहुत सही भाई, क्वालिटी A1 है एकदम। तो गाइज यार सबवे का सब तो एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल, मतलब पता सच्ची बता रहा हूँ, जैसे मैं दिल्ली में रहता था ना बिल्कुल वैसी है, कोई टेस्ट में ऐसा कॉम्प्रोमाइज वाली चीज नहीं है। और बस एक चीज बतानी थी, ये कुकी देख रहे हो भाई, ये कुकी ऐसा लग रहा है जैसे पॉम्पी जब नहा के बाहर आता है ना, जैसी उससे खुशबू आती है सेम खुशबू आ रही है इस कुकी से। और मेरे को लिटरली खा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है पॉम्पी खा रहा हूँ भाई, पॉम्पी हाँ पॉम्पटी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बचा के ले जाते हैं घर में, मम्मी को खिलाएंगे और मम्मी से पूछेंगे एक बार सही में हमको खाली ऐसा भ्रम हो रहा है या फिर सही में ऐसा है। तो गाइस यार फाइनली घर तो पहुंच गए, पर मेरा सबसे पहला काम होगा ये। चलो भाई जगू चलो, तुम्हें भी खिलाता हूँ अभी, पर सबसे पहले हम लोग ताई को खिलाएंगे। ताई, ताई जी, अबे ये क्या हो गया पीछे। हटो भाई, मम्मी इसको हल्का सा खा के देखो, लो खा के तो देखो हल्का सा, मेरे को बताना इसका टेस्ट कैसा आ रहा है तुम्हें, किसकी तरह लग रहा है इसका टेस्ट, ठीक है? टेस्ट कैसा लग रहा है, सोचो सोचो। बचपन में वो नारियल वाले बिस्कुट खाते थे। नहीं यार, पॉम्पी जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है पॉम्पी खा रहे हैं खुद, वैसे नहीं आ रही खुशबू बदबू सब कुछ। रुक जाओ यार मैं भी खा के देखता हूँ, रुक जाओ हम सब लोग अब खा के देखते हैं। अब सही हो गई भाई, गरम में होती वैसी यार, अब अच्छी होगी। पॉम्पी ऐसा लगा जैसे पॉम्पी ना के आता वैसी खुशबू आती है, सेम वैसी टेस्ट होता है इसका, अब सही होगी ना पॉम्पी। मेरे को खा रहे हो कह रहा हूँ। खाली भाई डांट खाली, किचन में क्यों आ रहा फिर, गिर गया इसको मना कर गया किचन में आने से। तो गाइस यार पापा के लिए तो हमने जो सूट है वो एकदम मतलब कर लिया है फिक्स, और वो बाकी थोड़ा ऑल्टरेशन के बाद आ जाएगा। तो मम्मी को दिखाते हैं एक बार, मम्मी का रिएक्शन लेते हैं कि उनके जो पति देव है वो कैसे लग रहे हैं, एकदम मस्त सूट। भाई पापा इतने अच्छे लग रहे थे ना, वो तो मैं सीधे वहां पे बोल नहीं पा रहा था, मगर मम्मी बहुत अच्छे लग रहे थे यार, इतने प्यारे लग रहे थे ना पापा। सॉरी यार, अरे यार तुम भी मम्मी यार नजर लगाना, देख रहे हो कैसे लग रहे। हाँ भाई कैसे लग रहे पति देव तुम्हारे। वाह वाह वाह, ये देखो मम्मी इसके कान के नीचे मार दो एक जरा, वरना मैं ही मार देता हूँ। तो गाइस यार ये छुड़िया था गाड़ी में, ये अभी दीदी और मैं लेके आ गए, अब इसको ट्राई करके भी देखेंगे एक बारी घर में प्रॉपर करके, लेकिन वो अब अगले ब्लॉग में। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर लगा होगा तो प्लीज लाइक वाला बटन दबाना, जिसने भी अभी तक का सब्सक्राइब वाला बटन दबाया प्लीज दबा दो यार, इट विल मीन अ लॉट। 2 मिलियन भी तो करना है, तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। दीदी क्या करना है, वैसे भी तेरा बर्थडे मंथ है तो। यस गाइस जिसको पता नहीं है 25 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है, तो बर्थडे गिफ्ट दो, सब्सक्राइब वाला बटन दबा जल्दी। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, इट मीन्स अ लॉट मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय।